सजा गई है, एक नंबर की चटोरी है। जिस दिन छप्पर किसी का व्यंजन नहीं मिलता है ना, उस दिन मिर्च मसाला नींबू अचार एकदम चिल्लम चिल्लिए मच जाती है। हैं, गर्मा गर्म खाना ना मिले तो कहती है कि खाने में कोई स्वाद नहीं है। जी करता है कि गैस जलाकर गैस पर बिठा दे, गर्म करती रहे खाती रहे, गर्म करती रहे खाती रहे, नाक में एकदम दम करके रख दी है। खाने के फिक्स टाइम पे एक मिनट लेट, एक मिनट ज्यादा हुआ तो हमारा कपार फोड़ने को तैयार हो जाती है, ऊपर से हमारा पूरा खानदान को गरजा डालती है। कहीं सखी सहेली ने मिलने लेट हो गया ना तो खुद से खाना लेकर नहीं खा सकती, इसे बुझाता है कि जैसे मेहंदी लगा के बैठी है, एकदम से नौकरानी बना के रख दी है। दिन भर खरीद के लिए खाना बनाते रहो, इनको खिलाते रहो पिलाते रहो, अब से कुछ भी नहीं करेंगे बताते रहे। अब तुमसे अपने सासू माँ की क्या ही तारीफ करें, मेरी सासू माँ तो दुनिया की बेस्ट सास है। मेरी सासू मम्मी ना खाने पीने में कोई नखरा नहीं करती है। हाँ, उनको गर्मा गर्म खाने की आदत है, कहती है गर्मा गर्म खाने से स्वाद और भी ज्यादा मिलता है। मेरी मम्मी जी का खाना खाने का तो टाइम फिक्स है, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कि उनको कब खाना खाना है। मेरे आराम करने पर ना मेरी मम्मी जी अपने से खाना लेकर के इसलिए नहीं खाती है कि किचन में कटोरी प्लेट सब कहाँ है, वो तो मुझे ही पता है ना। मेरी सासू माँ कहती है कि दाल में घी, रोटी में घी और रोज अलग अलग प्रकार की सब्जी और सलाद, पापड़, अचार, दही, ये सब ना हो खाने में तो खाने खाने का तो मजा ही नहीं आता है। अब तुमसे क्या झूठ बोलना, मैं अपनी मम्मी जी का ख्याल एकदम अपनी माँ की तरह